हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को, जिसमें से प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। आज भी हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो कल हमने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। हमने कहा था ह्यूमन बीइंग गेट्स फूड फ्रॉम, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया था वो आंसर आया था डी। आंसर हमारा था डी, बोथ ए और बी। ए में क्या है? प्लांट, और बी में क्या है? एनिमल। यानी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें आपसे पूछा गया है पैरासाइट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम। पहले पूछा गया था ह्यूमन बींग्स का, यानी मनुष्यों का। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो पूछ रहा है कि जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है इंसेक्ट, ऑप्शन बी है प्लांट, सी है एनिमल, और लास्ट है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी से जो पैरासाइट है वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी का हमने कहा था कि ये क्या करेंगे, किसी जीवित प्राणी से अपना भोजन लेते हैं, या तो वो उस प्राणी के शरीर के अंदर रहते हैं या उसके बाहर ही रहते हैं और अपना भोजन वहां से प्राप्त करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ये इंसेक्ट को भी कंज्यूम करेंगे, प्लांट और एनिमल को भी कंज्यूम करेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑल ऑफ दीज। यानी जो परजीवी होते हैं वो इंसेक्ट से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्लांट से भी करते हैं और एनिमल से भी करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री, यानी कि प्लांट का वो कौन सा भाग है जिसे हमने फूड फैक्ट्री कहा था। आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट्री क्या होती है, वो जगह जहाँ पे किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है। तो हमने कहा कि आप फूड फैक्ट्री का है तो यानी कि वो जगह जहाँ पे भोजन का निर्माण हो रहा है, तो वो कौन सी चीज होती है। आपके पास ऑप्शन है फ्रूट, सीड, लीफ और फ्लावर। चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे किसे फूड फैक्ट्री कहते हैं। जब हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हमने कहा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, भोजन का निर्माण हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पाई जाती है, पत्ती में। यानी कि पत्ती में अगर भोजन का निर्माण हो रहा है तो यही क्या होगी, फूड फैक्ट्री होगी। हमने कहा था कि अगर हम अपनी फूड फैक्ट्री की बात करें तो हमारी फूड फैक्ट्री क्या होती है, हमारा किचन। किचन में हम अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पहले क्या होता है, सारी कच्ची सामग्री को हम इकट्ठा करते हैं। वैसे ही प्लांट में होता है, पहले सारी कच्ची सामग्री को इकट्ठा किया जाता है पत्ती में, उसके बाद वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और वहां पे भोजन का निर्माण होगा। तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा आएगा सी, यानी कि लीफ। पत्ती को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं प्लांट की। के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव आर कॉल्ड, यानी कि वो हरा पदार्थ या फिर वो हरा वर्णक जो कि पत्तियों में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो बहुत इजी है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप अपने ऑप्शन देख लेंगे, आप बात करेंगे हीमोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और क्लोरोफिल। तो सबसे पहले तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में ना हमने हीमोग्लोबिन की बात की थी, ना ग्लोब्यूलिन की बात की थी और ना ही एल्ब्यूमिन की बात की थी, हमने सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में यहाँ पे सुना है। आपका जो आंसर है वो ऐसे भी निकल सकता है, आपने क्लोरोफिल के बारे में सुना, बाकी तीन चीजों के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी। तो क्या होता है, हरे वर्णक को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जिसे आप क्या कहते हो, हरित लवक कहते हो। क्लोरोफिल का नाम है हरित लवक। दोनों ही क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस, यानी कि कीट भक्षी पौधे। अब इस वर्ड को आप क्या करेंगे,
दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंसेक्ट और बोर्स, यानी कि जो कीड़ों को खाने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोर्स कहते हैं या फिर कीट भक्षी पौधे कहते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा है। तो आपके पास ऑप्शन में सबसे पहला है पिचर प्लांट, सेकेंड है कसकटा, सी है एल्गी और डी है लाइकनी। तो आपको अपने ऑप्शन को देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, जिसे हम एल्गी कह रहे हैं। क्या होता है एल्गी? यानी कि शैवाल। अब शैवाल क्या होते हैं, मैंने आपको कहा था जहां पे भी पानी रुका होगा आप क्या देखते हो, जो रुका हुआ पानी होता है कुछ दिन बाद वहां पे कुछ हरे रंग की कुछ जो चीज है वो जमने लगती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हमने शैवाल कहा था। और शैवाल का आपने कलर देखा होगा कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, यानी कि हरा कलर होता है। शैवाल यहाँ पे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो पहले ही यहाँ से हट जाएगा। अगर हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था जब हम सहजीविता के बारे में बात, हमने कहा था शैवाल और कवक, ये एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि सहजीवी संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ। और क्या करते हैं, यहाँ पे कवक लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। क्या हो रहा है, लाइकेन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो कवक है ये इसे क्या देता है, मैंने कहा था ये इसे देता है जल और कुछ खनिज और शैवाल इसे क्या देता है, भोजन। अब इस प्रकार के संबंध को हमने क्या कहा था, इसी प्रकार के संबंध को हमने कहा सहजीवी संबंध। यानी कि सहजीवी संबंध में क्या होते हैं, दो अलग अलग जाति के दो अलग अलग स्पीशीज होती है और इनके जीव क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। इसी संबंध को हमने सहजीवी रिलेशनशिप कहा था। हमने कहा था कि कवक ने शैवाल को क्या दिया, पानी दिया और मिनरल्स दिए, और शैवाल ने कवक को क्या दिया, भोजन दिया, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इनके सहसंबंध से यहाँ पे क्या बना, लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ। तो लाइकेन यहाँ पे क्या है, हम कहेंगे सहजीवी संबंध है। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है का जो आंसर है वो लाइकेन भी नहीं होगा। यहाँ से एक और ऑप्शन हमने हटा दिया है। अब कसकटा की बात जब हमने की थी तो हमने कहा था कि ये क्या है, परजीवी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी यहाँ से हट जाता है। आंसर अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, और उसमें क्या है, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं। आंसर हमारा क्या आ गया, पिचर प्लांट आ गया। पिचर प्लांट क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं, कीड़ों को खाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ या परपोषी कहते हैं। किस प्रकार के परपोषी हैं, ये आंशिक परपोषी हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अपने भोजन के लिए सिर्फ कीटों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। क्यों यहाँ पे कीटों का भक्षण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी थी, नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये जो प्लांट है यहाँ पे कीटों का भक्षण करते हैं। बाकी इनमें क्या होता है, इन प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इन्हें हमने कहा था कि आंशिक क्या है, आंशिक परपोषी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से न्यूट्रिएंट क्या है, यानी कि पोषक तत्व क्या है। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है पोषक तत्व। क्या होते हैं पोषक तत्व, जो पोषण को प्रदान करते हैं।
जो कि पोषण को प्रदान करने वाले तत्व होते हैं उसे हमने क्या कहा, पोषक तत्व कहा। अब आपके पास ऑप्शन में कुछ यहाँ पे तत्व दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा पोषक तत्व है। सबसे पहला है फैट यानी कि वसा, सेकंड है विटामिन से, थर्ड है प्रोटीन है, और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे क्या आता है, अगर आप पोषण की बात करें तो हमने कहा था हम अपने पोषण के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, भोजन पे, क्योंकि भोजन हमें बहुत सारे पोषक तत्व देता है। सिर्फ एक ही पोषक तत्व की बात हमने नहीं की थी, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। इसका एग्जांपल आप ऊपर वाले क्वेश्चन से देख सकते हैं, हमने कहा था पिचर प्लांट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकता है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या थी, प्रोटीन की भी आवश्यकता थी, और प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो आप प्लांट ने क्या किया, नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए कीड़ों को खाया, जिससे कि वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। सेम हमने क्या कहा था कि यहाँ पे प्लांट्स में जो कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है वो बीज में संचित हो जाता है, यहाँ पे फैट का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उनमें जो फैट है यानी वसा भी शामिल है, विटामिन भी शामिल है और प्रोटीन भी शामिल है, यानी कि ये सारे ही क्या है, तीनों के तीनों पोषक तत्व हैं, इनसे हमें पोषण प्रदान होता है। आंसर क्या आएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी क्या है, पोषक तत्व है। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा डी। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, डैश इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी चीज है जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी जीवित प्राणी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आया है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन ठीक है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन क्या है, एक पोषक तत्व है, सही बात है। लेकिन हमने बात की फैट की, फैट यानी कि वसा, तो वसा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये भी सही आंसर है। थर्ड आया फूड, तो फूड भी क्या है, सही आंसर है। और लास्ट है नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन पहले ही हट जाता है क्योंकि तीनों ही क्या है, हमारे विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, कोई एक जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चूज करना है। तो अगर आप देखोगे तीनों में से फूड, फैट और प्रोटीन, अगर हम तीनों में से हम अपना सही आंसर देखें जो सबसे ज्यादा सही है, तो वो क्या होगा, फूड होगा। क्योंकि फूड में क्या आता है, फूड में प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, और सारे ही पोषक तत्व आते हैं। अगर हम प्रोटीन को टिक करेंगे तो क्या होगा, फैट भी इम्पोर्टेंट है, और अगर हम फैट को टिक करेंगे तो जो प्रोटीन है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फूड को, क्योंकि फूड में क्या आते हैं, सारे ही पोषक तत्व आ जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है, द रॉ मटेरियल is used for the photosynthesis आर, यानी कि photosynthesis की प्रक्रिया में जो कच्ची सामग्री होती है वो कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो कौन सी कच्ची सामग्री है जिसे photosynthesis में हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे ऑप्शन में है। बी जो हमारे पास ऑप्शन आया है उसमें आपसे कहा गया है कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, रॉ मटेरियल है। तीसरा है नाइट्रोजन और वाटर, और लास्ट है ऑक्सीजन एंड वाटर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, CO2। ठीक है, CO2 जो फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 की वहाँ पे आवश्यकता होती है, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन रॉ मटेरियल नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट है। दो चीजें होती हैं यहाँ पे, कच्ची सामग्री और उत्पाद। मैंने आपको क्या बताया था कि इस वाले पोर्शन में हमने कहा ए प्लस डी, और यहाँ पे हमारा सी क्या बना, यहाँ पे उत्पाद बना। तो दो चीजें होती हैं, इधर वाली चीजें हमने क्या कहा था, कच्ची सामग्री है, और यहाँ पे क्या है, हमारा उत्पाद बना है।
अब हमने क्या कहा था, जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, तो हमने क्या देखा था, इधर इस साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, और इस साइड में क्या बना था, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ था। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये यहाँ पे कच्ची सामग्री नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई थी, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो पहले ही हट जाता है। सेकंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सही है, क्योंकि दोनों की यहाँ पे क्या होती है, आवश्यकता होती है। थर्ड हम ऑप्शन देख लेते हैं, नाइट्रोजन एंड वाटर। तो हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो नाइट्रोजन की बात यहाँ पे हमने नहीं की थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी हट जाता है। और लास्ट में आता है ऑक्सीजन एंड वाटर, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन आ गया है। पूछा क्या गया है, यहाँ पे कच्ची सामग्री को पूछा गया है, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आंसर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। बी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है। अगर अन्य दो की और की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीजें क्या होती है, ये चारों ही चीजें शामिल होती है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। दोनों आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। आपसे पूछा गया है कि उस प्रोसेस का, उस प्रक्रिया का नाम बताइए, जिसमें जो पौधे होते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। बहुत ईजी है, हम ये बार बार बोलते आ रहे हैं कि वो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे उस प्रोसेस का नाम बताना है, हमने कहा ग्रीन प्लांट्स ऐसा करते हैं, और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आप आंसर आपको आता होगा फोटोसिंथेसिस। अगर हम और ऑप्शन की बात करें, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो कह रहा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहाँ पे आता है, हेटेरोट्रॉप में आता है, यानी जो परपोषी होते हैं वहां पे आता है। अगर हम बात करें सेलुलर न्यूट्रिशन की, हमने इस चैप्टर में कोई बात नहीं की थी, और यह न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि पोषण क्या होती है, भोजन ग्रहण करने की विधि और हमारी बॉडी के द्वारा भोजन को उपयोग करने की विधि को हमने न्यूट्रिशन कहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, भोजन बनाने की विधि नहीं है, ये बता रहा है कि हमारा जो पोषण है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, यानी कि हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे पूछा गया है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी आपको बताना है कि ऊर्जा का परम स्रोत क्या है या मुख्य स्रोत क्या है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन में आया है केमिकल एनर्जी, सेकंड है विंड एनर्जी, सी है सोलर एनर्जी, और लास्ट है वाटर एनर्जी। तो अब आपके पास जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चैप्टर के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी सोलर एनर्जी की। क्या होगा हमारा आंसर, सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है, उसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से ऑटोट्रॉप कौन होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लाइकेन, सेकंड है एल्गी, सी है फंगस, और डी है कस्कटम। लाइकेन मैंने आपको अभी क्या बताया था कि शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध होता है, उसी परिणाम स्वरूप यहाँ पे लाइकेन का फॉर्मेशन होता है।
फंगस मैंने आपको क्या बताई थी, जो ईस्ट होगा या मशरूम होगा, तो वो किसके अंदर आते हैं, फंजाई के अंदर आते हैं। अगर हम फंगस में या फंजाई में पोषण का तरीका देखें, तो हमने क्या कहा था, ये अपना पोषण किसी मृत चीज से लेते हैं, यानी कोई जो सड़ा गला जो पदार्थ होता है वहां से अपना पोषण लेते हैं। और आपने अगर मशरूम को देखा होगा, तो मशरूम का जो कलर होता है वो कुछ व्हाइटिश होगा या ब्राउनिश होगा, येलोइश होगा, अलग अलग कलर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, और जिसमें भी क्लोरोफिल नहीं होगा वो ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते हैं। कस्कटा की हमने बात की थी कि अपने पोषण के लिए किसी अन्य पादप पर निर्भर रहते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर है बी, यानी कि एल्गी। एल्गी को ही हम शैवाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी जो एल्गी होती है वो क्या होती है, ऑटोट्रॉफ होती है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकती है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर जनरली। इससे पूछा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे कैसे कंज्यूम करते हैं, यानी कि कैसे उसे अवशोषित करते हैं या कैसे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन में आपके पास है कि फ्लावर के माध्यम से, यानी फूलों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, या स्टेम यानी कि तने के द्वारा प्राप्त करते हैं, रूट यानी कि जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं, लीव्स यानी कि पत्तियों के द्वारा करते हैं। अब आपको जब भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात आएगी या क्लोरोफिल की बात आएगी या फिर फोटोसिंथेसिस की बात आएगी, तो यहाँ पे कौन शामिल होगा, लीव यानी कि पत्ती। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, उससे पहले हम आंसर को देख लेते हैं, आंसर हमारा आएगा क्या, लीव्स यानी कि पत्ती। पत्तियों के द्वारा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे में अवशोषित होती है। किस प्रकार से होती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक लीफ है, ये एक लीफ है यानी पत्ती है, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आपको क्या दिखाई देते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं, और ये छिद्र किस प्रकार के दिखाई देते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब ये क्या है, इन्हें हमने कहा था गार्ड सेल, और ये जो बीच में है इसे हमने कहा था स्टोमेटा। तो क्या होता है, ये इन्हीं छिद्रों के द्वारा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। कैसे आती है, अभी ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज है यानी कि बंद है, अब ये जो स्टोमेटा है ये खुल गया है। अब यहाँ से क्या होगा, जो बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आ जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ओपन रहते हैं या हमेशा खुले हुए रहते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए ओपन होते हैं फिर क्लोज हो जाते हैं। तो जब भी स्टोमेटा ओपन होगा यानी कि खुलेगा, तभी क्या होगा, जो बाहर CO2 होगी वो अंदर आ जाएगी, जो अंदर ऑक्सीजन होगी वो बाहर की ओर आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, यानी कि जो गैस हो रही है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है अंदर से बाहर। कहाँ रहते हैं, कहाँ पे होता है स्टोमेटा, लीफ में होता है यानी कि पत्ती में होता है। गार्ड सेल का यहाँ पे क्या रोल है, ये जो स्टोमेटा है उसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है यानी कि उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि पत्तियों के माध्यम से यहाँ पे जो CO2 है वो कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है प्लांट में। के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि जो सारे जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, क्यों। अब यहाँ पे ऑप्शन है फूड के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए और फैट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सारी ही चीजों के लिए होते हैं, यानी कि मिनरल्स भी अगर मिल रहे हैं या फैट अगर होगा तो फूड में होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि फूड के लिए क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। दोनों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि अभी हमने क्या कहा था, स्टोमेटा यानी कि जो रंध्र होते हैं पत्ती में, जब वो खुलते हैं और बंद होते हैं तो तभी वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि गैसों का विनिमय होता है। तो ये जो छिद्रों का या फिर स्टोमेटा का खुलना और बंद है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि कौन निर्धारित करता है कि यहाँ पे अभी स्टोमेटा ओपन होगा और अभी स्टोमेटा क्लोज होगा। सबसे पहले ऑप्शन में आपके पास है न्यूक्लियस, सेकेंड है हमारे पास एक्सेसरी सेल्स, तीसरा है स्टोमेटा और जो लास्ट है वो है गार्ड सेल्स। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हमने स्टोमेटा का डायग्राम देखा था तो किसकी बात की थी हमने, गार्ड सेल की बात की थी, यानी कि यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होती हैं वो कंट्रोल करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। किस प्रकार से करता है हम इस डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। हमने कहा ये स्टोमेटा है, हमने कहा ये स्टोमेटा है और कैसा है, क्लोज है यानी कि बंद है। अब इसे खुलना होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स में कौन है गार्ड सेल्स, ये दोनों। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं तो यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो कैसा है, ओपन है। किस कैसे ओपन हुआ, जब गार्ड सेल्स के साइज में कुछ चेंजेस आए, आकार में कुछ चेंज आया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो गार्ड सेल्स बड़ी बन गई है, यहाँ पे छोटी बनी है। ऐसा नहीं होता है कि गार्ड सेल्स बड़ी छोटी हो जाती हैं, क्या होता है आपने देखा कि यहाँ पे जो गार्ड सेल्स पीछे की ओर इस प्रकार से खींच गई हैं। ये जो गार्ड सेल्स थी पहले इस प्रकार की थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस इधर की ओर एक फोर्स लगा और इधर की ओर एक फोर्स लगा, अब ये क्या है, खींच गई है। यानी कि आप जैसे किसी चीज को सेपरेट करते हो तो आप उसे खींचते हो, तो ये क्या है, खींच गई है इधर यहाँ से और यहाँ से। जब ये खींची तो बीच में क्या हुआ, जो स्टोमेटा था वो ओपन हो गया। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स की शेप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, यानी कि जो स्टोमेटा है वो खुल जाता है। अभी किस प्रकार से होता है, यहाँ पे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पे गार्ड सेल्स के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना है कि जो स्टोमेटा क्लोज या ओपन होता है तो किसकी हेल्प से हो रहा है, यहाँ पे गार्ड सेल्स की हेल्प से हो रहा है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है विच मटीरियल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो फोटोसिंथेसिस में जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पूछा गया है नॉट रिक्वायर्ड, यानी कौन सी चीज है जिसकी आवश्यकता फोटोसिंथेसिस में नहीं होगी। पहला ऑप्शन है वॉटर, तो वाटर यानी कि पानी। हमने कहा था जब हमने बात की थी कि चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पानी की हमने बात की थी कि पानी भी चाहिए होता है। सेकेंड हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तो CO2 की भी आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। लास्ट ऑप्शन बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। आंसर हमारा क्या आएगा, डी यानी कि ऑक्सीजन। दोनों क्वेश्चन के आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान किस चीज का निर्माण होता है। पहला है प्रोटीन, सेकंड है माल्टोज, थर्ड है फ्रक्टोज और लास्ट है ग्लूकोज। तो ये इजी है क्योंकि आपने सिर्फ ग्लूकोज के बारे में सुना है। जब हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस को तो हमने ग्लूकोज की ही बात की थी, क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, किस किस के बीच में हमने पैरासाइट और सैप्रोफाइट है
दो हमारे पास नाम है, हमने उन्हें क्या करना है, उनमें अंतर को बताना है कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। अगर हम सेप्रोफाइट की बात करें तो क्या बात की थी हमने, हमने कहा था एक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि जो भी अपना भोजन किसी डेड से लेते हैं, यानी किसी मरे हुए जीव हो गया, या ये क्या होता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही क्या होंगे वहाँ पे, डेड होंगे। एनिमल की अगर बॉडी है, कोई किसी की डेड बॉडी पड़ी है किसी एनिमल की, कि वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाएंगे। अगर कोई पेड़ है और पेड़ क्या है, कटा हुआ है, जब वो पेड़ सड़ने लगता है तो वहाँ पे भी क्या होगा, ये ग्रो कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये क्या है, कोई भी जो डेड है उस पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास फंगा यानी कि कवक का हमने एग्जाम्पल देख लिया है। वही अगर पैरासाइट की हम बात करें तो पैरासाइट क्या होते हैं आप पढ़ेंगे, पैरासाइट लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट देयर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ देयर होस्ट। होस्ट क्या होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो किसी जीवित प्राणी पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उसे हमने होस्ट कहा है। अब ये क्या करते हैं, या तो किसी प्राणी के खज की जो बॉडी होती है उसके अंदर भी रह सकते हैं, उसके बाहर भी रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या है, बॉडी के अंदर है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि ये बात करें कि किसी की सर में लीक हो जाती है, तो वो क्या कर रही है, वो शरीर के बाहर है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, राउंड वॉर्म, या फिर आप लीक का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये है दोनों में डिफरेंस, सेप्रोफाइट में और पैरासाइट में। दोनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी कि पत्ती में स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाना। तो आप क्या देखेंगे, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि आपको दो पौधे लेने हैं किसी गमले में, गमले में आपने क्या किया, दो पौधे लिए, कीप वन इन डार्क फॉर 72 hours, और 72 घंटे तक आपने उसे अंधेरे में रख दिया, किसी एक को, दोनों को नहीं किसी एक को, एंड अदर इन द सनलाइट, एक को आपने अंधेरे में रख दिया, एक गमले को जिसमें प्लांट है और एक गमले को आपने धूप में रख दिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ अ बोथ प्लांट। अब हमने वहां पे आयोडीन का टेस्ट किया, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन का टेस्ट होता है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क अनडिस्टर्ब फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। अब हमने क्या किया, पहले एक पौधे को हमने अंधेरे में रखा, एक को हमने सूर्य की रोशनी में रखा, उसके बाद हमने आयोडीन से वहां पे टेस्ट किया, फिर हमने जो पौधा अंधेरे में रखा था उसे अब सूर्य की रोशनी में रख दिया है और फिर उसे ऑब्जर्व किया। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, यानी कि आयोडीन के सॉल्यूशन को हमने पत्ती पे रखा। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट कैप्ड इन सनलाइट, यानी कि जो पौधा हमने सूर्य की रोशनी में रखा था कौन सा कलर आया, ब्लू से ब्लैक आया, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि जहाँ जिस भी पत्ती में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उसका कलर क्या होता है, ब्लू से ब्लैक होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट कैप्ड इन द डार्क रूम, और जिसे हमने डार्क रूम में रखा था वहां पे क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई थी। और क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पे सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य की किरणें हैं यानी कि जो सनलाइट है वो उसे नहीं मिली। दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ये क्या इंडिकेट करता है, स्टार्च की एब्सेंस को यहाँ पे शो करता है। तो ये क्या था, ये था आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को पता लगाने के लिए। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।